पेड टास्क और स्टॉक मार्केट में डबल मुनाफा देने के नाम पर ठगी करने वाले मोहम्मद इमरान को मालवनी से किया गया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई के बोरेवली पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि टेलीग्राम ग्रुप बनाकर लाइक और कमेंट करने वाले को 50-100 रुपया देकर स्टॉक मार्केट का झांसा देता था और उसके बाद लाखों रुपए की ठगी करता था। बिल्कुल ऐसा ही मामला तब सामने आया जब बोरेवली क्षेत्र का ही रहने वाला एक फरियादी, जिसकी शिकायत बोरेवली पुलिस स्टेशन में जाती है कि वो एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करता और उसमें स्टॉक मार्केट का डबल मुनाफा देने के नाम पर मोहम्मद इमरान उससे 4 बैंक खातों के माध्यम से 7,46,000 रुपये ले लेता है और उसके बाद फ्रॉड कर देता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो तुरंत वो बोरेवली पुलिस को इस तमाम घटना को लेकर जानकारी देते हैं, जिसके बाद बोरेवली पुलिस स्टेशन द्वारा इस मामले को लेकर टीम का गठन किया जाता है और तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद इमरान को ये मलाड मालवनी में आने वाला है ऐसी जानकारी मिलती है, जिसके बाद मलाड मालवनी से उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब मलाड मालवनी में जब इसे गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस ने बताया कि ये सारे जो स्टॉक मार्केट में डबल मुनाफा देने के नाम पर ये जो सारे पैसे लूट लेता था उस पैसे को ये UBT के माध्यम से दुबई और मलेशिया में भेजता था, यानी गोल्ड खरीदने के बाद ये अपने जाल को यहीं तक रोकता नहीं था, ये आगे भी जो है इन्वेस्टमेंट करता रहता था। अब पुलिस इससे ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि यह आखिर इसके साथ इसके कितने सदस्य या किस तरीके से ये स्टॉक मार्केट में अपना शिगार और भी लोगों को बना चुका है। आप भी तमाम लोग सावधान रहे, स्टॉक मार्केट का जाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और इसी को देखते हुए आप लोगों को भी सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बोरोली के एक फिरियादी है जिनको ऑनलाइन टास्क के माध्यम से 7,46,000 ऑनलाइन चीटिंग हुआ था, जिसके इन्वेस्टिगेशन के चलते आरोपित इमरान जमाल मोहम्मद, ये जो तमिलनाडु का रहने वाला है, वो चीटिंग के पैसे से मालाड एरिया में आके उससे गोल्ड खरीदी करता था और बाद में उसका USDT में पैसा बना के दुबई और मलेशिया भेजता था। तो जैसे हमको खबर मिला तो हम CCTV फुटेज वगैरह से उसका हमने एक चेहरा निकाला था जो हमने हमारे गुप्त बातमीदारों को बताया था। उसके बाद में हमको खबर मिला कि वो 28 तारीख के दिन मालवनी मालाड परिसर में आने वाला है, तो हम वहाँ पे जाके उसको ट्रैप करके पकड़ के कोर्ट के सामने पेश किया है और 5-3 तक उसका पुलिस कोठड़ी मिला है। सर, ये जो आरोपी है किस चीज़ का टास्क देता था और किस तरह से फ्रॉड करता था, इसका मोडस क्या होता था? ये आरोपी का मेन टास्क था कि लोगों को शेयर मार्केट में या कोई प्रीपेड टास्क देता था, जिससे कि लाइक आप एक लाइक करोगे तो आपको 50 रुपये मिलेगा, 2 लाइक करोगे 100 रुपये मिलेगा, ऐसा करके शुरुआत में वो आपको टास्क के पैसा देता था। उसके बाद में जैसे ही लोगों का यकीन उसके ऊपर बैठता है तो उसके बाद में वो लोग उनको प्रीपेड टास्क लेने को बोलते हैं, मतलब आप इतना टास्क लोगे तो आपको इतना उसमें मुनाफा होगा, ऐसा करके वो टास्क 100% कंप्लीट करते करते और बड़ा बड़ा टास्क खरीदने को बोलते हैं और वो सब पैसा हजम कर जाते हैं। अभी तक कितना केस, कितने लोगों को इसने आरोपी ने ठगा है और क्या क्या उसके पास से रिकवर हुआ है? अभी तक तो हमारे मालूमत में उन्होंने कर्नाटक में एक जगह पे वो किया है जिसका ऑनलाइन पे कंप्लेंट दिखाई दे रहा है, हमने वहाँ पे उनको बताया और वो भी आगे का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। सर, जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जो ये टास्क होता है जो टेलीग्राम के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप के जरिए लोग जो ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करते हैं, ठगी से बचने का कोई तरकीब? ऑनलाइन से कोई भी आपको अगर बोलता है कि आप घर बैठ के पैसा कमाओ, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाओ, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। कोई लिंक आएगा तो लिंक को क्लिक नहीं करना है। कोई भी अनजान आदमी आपको अगर कोई ज़्यादा मुनाफे का कोई शेयर मार्केट का लिंक देने वाला है या तो वो बोलता है कि मैं आपको अच्छे खासा नफा मिला के दूंगा, तो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। और अगर इन केस आपके साथ कोई साइबर ठगी होती है तो जल्द से जल्द 1930 पे कॉल करना है। अगर उस पर कॉल नहीं हो पा रहा है तो cybercrime.gov.in यह वेबसाइट के ऊपर आपको कंप्लेंट करनी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये साइबर ठग के साथ क्या है, वो अकेला करता था या इसके ग्रुप या गैंग में कोई और भी लोग शामिल है? ये अकेला नहीं करता है, इसके साथ में और भी उसके पार्टनर है, एक मलेशिया में स्थित है, एक दुबई में स्थित है और एक मालवनी में देखे एक बंदा है, मालवनी में भी एक बंदा है, ऐसे मतलब सब लोग मिलके काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे अभी चल रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से, मतलब हमने उसमें जो एक्यूज ने डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ किया था वो हमने रिकवर कर लिया है और कुछ USDT उसने खरीदा था वो भी अकाउंट में फ्रीज मारा है।
तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर आ जाऊंगा एक न्यूज़ के साथ।